भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को दी बधाई, कहा ये हाई स्पीड नौका सेवा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवंत बनाएगी। दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया भाग, कहा सभी वैश्विक चुनौतियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मां दुर्गा की उपासना का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक भवन में मिशन शक्ति कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद 3 महिला विभूतियों संग 25 अन्य महिलाओं को किया सम्मानित। शारदीय नवरात्र के पहले मातृशक्ति को वंदन करते हुए सीएम योगी ने आज मिशन शक्ति के चौथे चरण का किया आगाज, फ्लैग ऑफ कर महिला सशक्तिकरण की रैली को किया रवाना। सीएम योगी द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत से पूर्व सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय, महिला श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का दिया निर्देश। अपराध और अपराधियों के खिलाफ 15 दिन का विशेष अभियान प्रदेश में शुरू। समस्त एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और पुलिस कप्तानों को दिए गए महिला संबंधी अपराध पर खास नजर रखने के निर्देश। प्रदेश में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों पर की गई नियुक्ति ने यूपी के युवाओं को किया सशक्त। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की दर 6.4% थी। सीएम योगी ने कहा कि आकांक्षात्मक जनपदों में संचालित शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के साथ पर्याप्त शिक्षकों की हो तैनाती, मेरिट पर हो जिला विद्यालय निरीक्षक की तैनाती। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण का कार्य किया जाए, यथाशीघ्र 7 लाख बालिकाएं होंगी लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना के लिए चिन्हित की जाए भूमि, 5 से 10 एकड़ का होगा मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय का परिसर। प्रधानमंत्री द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1725 शासकीय विद्यालयों का किया गया है चयन। पहले चरण में 925 शासकीय विद्यालयों का उच्चीकरण करने का लिया गया है निर्णय। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 100 वातानुकूलित बसों को खरीदने और 250 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को GCC मॉडल पर CES के माध्यम से अनुबंध करने का परिवहन निगम बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने निगम में 30 जून 2028 तक 5000 इलेक्ट्रिक बसों को किया जाएगा शामिल। परिवहन मंत्री ने कहा कि इन बसों को NCR क्षेत्र और महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर किया जाएगा संचालित। कृषि मंत्री सुरेंद्र शाही ने कहा किसानों को बीज से लेकर बाजार तक बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार तत्पर। विश्व बैंक के सहयोग से व्यापक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और कॉमन सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन। हमास की ओर से जब हमलों के बाद जवाब में इजराइल लगातार हवाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई शुरू की, गाजा पट्टी में घुसी इजरायली सेना। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। इजराइल से 235 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान नई दिल्ली पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मां विंध्यवासिनी मंदिर पर लगने वाले नवरात्र मेले में पहली बार आतंक निरोधक दस्ता के कमांडो को तैनात किया जाएगा। ATS के अलावा आसमान से पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन से होगी निगरानी। अहमदाबाद में आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है विश्व कप का महामुकाबला। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए दिया 192 रनों का लक्ष्य।